NH44 मोरथल टोल प्लाजा भिगान पर सोनीपत पुलिस द्वारा लाठीचार्ज मामले में बड़ा अपडेट। प्रदर्शन करने वाले 70 से 80 लोगों को हिरासत लिया, 70-80 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। NH44 को पुलिस ने दोबारा सुचारू रूप से चलवाया। प्रदर्शन करने वाले लोगों को समझाने की काफी कोशिश की, नहीं माने ACP। पुलिस पर किया पथराव तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। NH44 पर दिल्ली जाने वाले रास्ते को किया था ब्लॉक। टोल कंपनी मैनेजर की शिकायत पर किया मामला दर्ज। लाठीचार्ज के बाद हाईवे पर मची थी भगदड़। पुलिस ने ग्रामीण प्रदर्शनकारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हाईवे जाम करने और पथराव करने के कारण पुलिस ने की कार्रवाई। समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं माने। इन्होंने जो दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता था 1 और 2 नंबर को उसको ब्लॉक कर दिया, और सवारी उसमें जो पेशेंट जाने वाले पैसेंजर थे दिक्कत होने शुरू, काफ़ी समझाया नहीं माने, पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। फिर इनके ऊपर हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कितने लोगों के खिलाफ सर मुकदमा दर्ज हुआ है? 70-80 आदमी हैं, पर 15-16 आदमी भाई हैं, 70-80 अन्य आदमी हैं। कुछ गाड़ी में वहाँ से रोड किए हमने, मुकदमा दर्ज करके इनको बरात में। सर कंप्लेंट कौन है इसमें कंप्लेंट कंपनी की तरफ से जो दीदार सिंह मैनेजर हैं वो क्या कहते हैं सर? उन्होंने क्या कहना, उनका तो वापस का कोई इनका टॉपिक बना नहीं, बातचीत उनके रिफरी की डिमांड कर रहे थे उनके साथियों, लेकिन हमने अपनी जो कार्रवाई मंजूरी कर दी। इन्होंने जो रोड ब्लॉक किया था, पथराव किया था, उस संबंध में हमने इनको अरेस्ट कर दिया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।